हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं आप लोगों के साथ आज बात कर रही हूँ। तो बहुत टाइम के बाद एक्चुअली सुबह जो है ना ब्लॉग स्टार्ट होता है, नहीं तो मैं रात को ही स्टार्ट करती हूँ। और बाहर का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, टाइम हो रही है 9:30। और ये है मेरा फ्लावर का छोटा सा गार्डन जो कि इस तरह से है। और ये जो मेरीगोल्ड का फ्लावर आपको दिख रहा है ना, ये मिला था रिटर्न गिफ्ट में उस दिन जो बर्थडे पार्टी के लिए गई थी। तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रही है और बहुत बड़ा बड़ा भी हो गया है फ्लावर। और ये है सारे काली काली मिर्च, ये बहुत ज़्यादा तीखा है। और यहाँ पे दो सूख गए हैं, एक्चुअली मैंने उसको ही सूखने के लिए डाला था क्योंकि मुझे इसका सीड चाहिए था। तो कोई अच्छा अगर ब्रीड होता है तो मैं उसका सीड निकाल लेती हूँ तो अंदर चली जाती हूँ, नहीं तो बाहर जो है बहुत ज़्यादा धूप रही है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। तो हाँ, अभी लाइटिंग सही है। तो आज का सुबह जो था बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। सुबह मैंने 6:30 पे उठी, उसके बाद यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम किया, जैसे कि कमेंट वगैरह होता है और कुछ मेल वगैरह चेक करना होता है। तो ये सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी क्योंकि तबीयत जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। कोल्ड होके रखा है तो गले में जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और सर भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। तो इसकी वजह से मैं 8 बजे आई थिंक सो गई थी और फिर 8:40 को उठी। और उसके बाद सबसे पहले ब्रश वगैरह करके नहा लिया, नहाने के बाद पूजा वगैरह कर लिया मैंने। अभी थोड़ी देर के लिए रेडी हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ बात करना है और ब्लॉग को कंटिन्यू करना है। मैं घर ही चली जाती हूँ, इतना ज़्यादा धूप हो रही है, लाइटिंग हो रही है कि ठीक से कैमरा को ही नहीं दिख पाती हूँ। और एंजल रानी यहाँ पर सो रही है, इसको भी अभी उठाना है। मामा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसका जो तबीयत है अभी काफी ठीक है क्योंकि परसों क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो की बताई थी कि उसका तबीयत काफ़ी ठीक है। और परसों क्या हुआ था कि बहुत जोर से वो वोमिट कर दिया था, पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत उसका जो फीवर है वो भी हो गया था। बट फीवर जो है कल मैंने उसको कालपल दिया था तो कालपल की वजह से फीवर जो है कम हो गया। और कल दिन भर मैंने उसको लाइट ही खिलाया था, साबूदाना का खीर और उसके साथ रात में 2 रोटी उसको खिलाई। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि अगर मैं फिर से वो दलिया और कुछ ना कुछ खिला देती हूँ तो फिर से जो है बुखार भी आ सकता है, वोमिट भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी इस तरह से होता है ना, फूड पॉइजनिंग टाइप का हो जाता है। तो इसके वो ही हुआ था। तो कल मेरा मूड जो है थोड़ा बहुत ऑफ था तो कल का वीडियो जो है आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा होगा क्योंकि कल मैंने पूरी वीडियो वॉइस ओवर किया है, मैं आप लोगों के साथ इस तरह से डायरेक्टली नहीं बात कर पाई थी। तो यही चल रहा था। और आज सुबह हस्बैंड मना किए कि मुझे टिफिन नहीं जाना है, तो उनको एक रोटी मैंने बना के दिए क्योंकि वो सुबह एक रोटी चाय के साथ या पराठे खा के जाते हैं। तो एक रोटी मैंने उनको दे दिया, 2 बनाए थे और एक है, बट वो नहीं खाए, एक खा के चले गए और बोले कि नहीं आज फ्राइडे है और फ्राइडे आपने ज़िंदगी खुद के तरह जीना है तो मैं बाहर ही खाऊंगी, मैं उसे उनके कैफेटेरिया में खाऊंगी और तुम अपने तरीके से आज का दिन स्पेंड करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने आज टिफिन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। और बहुत जल्दी वो चले गए थे, 6:15 को चले गए थे क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था। तो अगर घर पे बैठ के काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो सकता है, तो इसकी वजह से वो चले गए थे। उसके बाद दीपू भी थे तो उनका भी आज ऑफिस है तो वो भी चले गए थे। फिर राजा था वो भी चला गया ऑफिस, तो सारे लोगों ने अपने अपने कर्म क्षेत्र में चले गए हैं और मेरा भी कर्म क्षेत्र में आ चुकी हूँ। बट अभी अंजल का रूटीन मुझे फॉलो करना है, टाइम हो रही है 9:45। तो अभी जाऊँगी थोड़ा सा चाय पीऊँगी क्योंकि बहुत गले में पेन हो रही है। और ये सारे बच्चे ने पानी को जो है अच्छी तरीके से गंदा कर दिया है, पता नहीं ये लोग कितना गंदा करते हैं पानी को। अभी हम लोग साफ किए थे बट पूरा निकाल के हम लोग कभी भी साफ नहीं करते हैं, मीन्स बहुत रेयरली करते हैं मंथ में एक बार, नहीं तो 15 डेज में या हफ्ते में 50% उसका पानी निकाल देते हैं और नया जो पानी है वो डाल देते हैं तो अच्छे से साफ हो जाता है।
और मैं लाइट इसलिए नहीं लगाती हूँ, लाइट लगाने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते हैं, पता नहीं उनको आदत हो गई कि बिना लाइट में खाना खाना, तो खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा फिश है, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी गिर गंदा है तो इसकी वजह से उनका जो लुक है अच्छे से नहीं आ रहा है। ये वाला सबसे बड़ा है, किंग किंग। तो चलिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत चाय पीऊँगी, उसके बाद अंजल को उठाऊँगी, नहीं तो चाय बनाते बनाते भी अंजल को मैं उठाऊँगी, क्योंकि उसको भी खाने का टाइम हो चुकी है। और मैंने रात को उसको दूध दिया था, सुबह भी मैंने उसको दूध दिया था। दूध पीने के बाद वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका फेवरेट है दलिया और दूध, ये दोनों चीज पे हो जाता फेवरेट है। दूध आप जिस भी टाइम पे दो, उसको कंबल चाहिए और दूध चाहिए, अपने आप दूध पी लेती है। घर तो साफ सुथरा हो गई है, घर को मैंने ऑलरेडी साफ कर दिया है, क्योंकि पूजा करने से पहले हम लोग घर को एक बार झाड़ू करते हैं, तो झाड़ू हो गई है। पोछा मैंने आज नहीं किया है, क्योंकि मुझे भी कोल्ड होके रखा है। एंजल को भी मैं थोड़ा सा फ्लोर अगर गीला कर दूंगी तो फ्लोर का जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाता है, और कोल्ड लगने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो कल पोछा की थी, तो एक दिन अगर पोछा ना करूँ तो भी जल जाता है। तो चलिए चाय बनाते हैं, आज पहली बार मैं चाय बनाऊंगी आपके साथ, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हस्बैंड आने के बाद मैं फटाफट से मैं बना देती हूँ, कभी कभी वो भी बना लेते हैं। तो चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये पैन में थोड़ा सा चाय है, तो मैं सोच रही थी इस पैन में ही बना दूं, क्योंकि अदरक इसमें डाल के रखा है, और सुबह हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, तो थोड़ा सा चाय मेरे लिए भी छोटी, बट बहुत थोड़ा है, तो इसकी वजह से और थोड़ा इसमें पानी और दूध चीनी चाय पत्ती इसमें ही डाल के थोड़ा सा बॉइल कर दूंगी। ध्यान से देखिए इस बच्ची को, इसको मैं उठा के लेके आई बेड से, और सोफे के ऊपर वो फिर से सो गई है। गौर से देखिए इस बच्ची को, मामा। नींद लगती तो काफी टाइम हो चुकी है, अभी बज रहा है दोपहर का 1 बज रहा है, 1:10 हो रही है, और यहाँ पर एक को जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, ये मैंने रात को बनाऊंगी। और यहाँ पर बन रहा है अंजल का खाना, अभी मैं बनाऊंगी। ये वाली जो मटर है इसको मैंने रात में भिगो के रखा था, ये वाली जो मटर है हरे मटर, उसका सब्जी बनाऊंगी यानी करी बनाऊंगी, तो उसके साथ मैं डोसा खाने वाली हूँ। आज मैंने कुछ कुकिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा नो कुकिंग डे है। वैसे तो छोटा मोटा कुछ कुकिंग करने वाली हूँ, बट थोड़ा बहुत इस तरह से सिंपल सब्जी बनाऊंगी, और प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जी बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि झटपट हो जाता है। और अभी तक मैं एक काम से बिजी थी, वो काम मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये आपके लिए सीक्रेट है। बहुत अच्छा सा एक DIY वाला चीज मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, घर सजाने वाला, तो देखती हूँ वो काम थोड़ा सा आधा अधूरा होके रखा है, तो कंप्लीट हो जाने के बाद अगर हो जाएगा तो आज मैं ये वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, नहीं तो अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी।
और बहुत सारे कुछ क्राफ्टिंग का सामान भी मुझे लेना है, पता नहीं कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंट करने का मन हो रहा है, तो स्कूल से सामान भी उस तरह से मिलना चाहिए। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं इतना सारा सामान नहीं मिलता है, यहाँ से पास में एक शॉप है बट वहाँ पर ये सारी चीजें नहीं मिलता है, जो भी बच्चे का क्राफ्ट वगैरह चीजें होता है वो ही मिलता है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो देखते हैं अगर हो सके तो मैं कहीं पे जाके ये सारा सामान लेके आऊंगी। अभी चलते हैं सब्जी बनाते हैं। तो बहुत सिंपल से सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे कुकर में मैंने ऑयल डाला है, उसके साथ में डाल दूंगी ये जीरा और सरसों का मिक्सचर। इसमें डालने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक और प्याज जाएगा, उसके साथ में ऐड कर दूंगी टमाटर। और सारी चीजों को अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें सारे जो ड्राई स्पाइसेस थे वो डाल दूंगी, और एक आलू को पील करके इसमें डाल दूंगी, मटर डाल दूंगी, पानी, और उसके साथ ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार नमक, और ढक्कन लगा के 3 सीटी तक इसको पकाने दूंगी। और इसको हम लोग घुगनी बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे डोसा के साथ या बढ़ा के साथ, इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। मैंने ऑलरेडी इसका रेसिपी शेयर कर दिया है मेरे चैनल पे, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है, चाय और बिस्किट के साथ इतना टाइम तक नहीं रह पाऊंगी, तो एंजल को खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। हेलो एवरीवन, तो फेस का हालत देख के प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से कोल्ड हो गई है, और अभी जस्ट मैं खाने जा रही हूँ। और ये इस तरह से प्लेट को मैंने सजाया है, यहाँ पर जो चना करी था उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने नमकीन डाला है, और ये है डोसा, और ये है रात का सब्जी जो कि कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, और बहुत तोरी की सब्जी है, बहुत अच्छा बना था, तो थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने सोचा कि खा लेते हैं। और खाने के बाद कोल्ड के लिए मुझे मेडिसिन खाना है, हेडेक बहुत ज़ोर से हो रही है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, टाइम हो रही है 3:30, तो उसके बाद ही कुछ काम करूँगी, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अंजल सो गई है, और सोची थी कि आज जो भी डी वाई वाला चीज़ें हैं वो उसको ख़त्म करूँ, बट मुझे कलर चाहिए था, वाइट कलर मेरे पास नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो काम है वो पेंडिंग हो गया है, और कुछ काम भी करना था बट पेशेंस ही नहीं है, मीन्स इतना जोर से कोल्ड हो गई है कि राउंडिंग नोज भी चालू हो चुकी है, हेडेक बहुत जोर से हो रही है, फीवर फीवर सा लग रहा है। तो मेडिसिन खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट करूँगी तो शाम को आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे कोल्ड हो जाता है तो फीवर आ जाती है, फिर जो ड्राई कफ है वो हो जाती है और काशी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और शाम के टाइम पे आपसे बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इवनिंग का बज रही है 7:30, और हस्बैंड ऑफिस आने के टाइम पर फीस लेके आए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीस है, जो कि इसका नाम है बंगड़ा फीस। इसको हम लोग तवा फ्राई करते हैं, नहीं तो डीप फ्राई करके खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो अंदर का जो
पीस होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाहर का जो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट अंदर का जो चीज़ होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले क्या मैंने किया है, थोड़ा सा फीस को जो है अच्छे से वॉश कर दिया है। वैसे तो मैं नहीं किया है, हस्बैंड ही किया है, क्योंकि मैं इस तरह से कच्चा फीस को हाथ नहीं लगा पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा एनर्जी फील होता है। और सबसे पहले इन फीस में हम लोग मैरिनेट करेंगे एक हाफ नींबू को, मैंने निचोड़ के रस यहाँ पे निकाल दिया है। उसके साथ ऐड करूँगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्ची, और उसके साथ डालूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। उसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है, और अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डालेंगे तो आप गार्लिक को भी क्रश करके डाल सकते हो, बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। उसके साथ मैं ऐड करूँगी एक कबाब मिक्स, मेरे पास है एक जो चिकन पकौड़ा हम लोग बनाते हैं उसका मिक्स पाउडर था, अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा राइस फ्लोर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसको मिक्स करके थोड़ा सा इसमें मसाले वगैरह डाल दीजिए, और डायरेक्टली आप फिश में डाल सकते हो। ये अच्छा एक फ्लेवर देता है और ऊपर एक कोटिंग जैसा बनता है, तो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से लगता है। तो इस तरह से मैरिनेट करके इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है, क्योंकि अच्छे से जो मसाले हैं फिश के अंदर चला जाए, और नमक मसाले ये सब अंदर जाएगा तो टेस्ट जो है अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैं बाकी जो प्रोसेस है वो करूँगी। फिश जो है ऑलरेडी मैरिनेट होके साइड पे रखा है, और अभी मैं थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी, ये है टाइगर प्रॉन। तो प्रॉन को जो छिलका है वहाँ पर हम लोग शॉप में ही निकाल लिए थे, तो कभी भी मैं छिलके के साथ करी नहीं बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो छिलका निकाल के अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर मैं एवरेस्ट का जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है उसको लिया है, क्योंकि उसमें से अच्छा बहुत तो एक कलर आता है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और यहाँ पे पैन भी लगा दिया है। पैन जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको डालूंगी, क्योंकि फिश हम लोग जब बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल में अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही जल्दी भी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो जब भी हम लोग नॉनवेज वगैरह बनाते हैं मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल में बनाने के लिए। उसके बाद मैरिनेट करने के बाद ये जो पकौड़ा पाउडर था मैंने इसको डाला है, और हाफ जो नींबू है उसको निचोड़ के उसका रस डाला है, उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, आप अगर पकौड़ा वगैरह बनाना चाहते हो तो इसको ही आप इस तरह से बना के खा सकते हो, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तब मैं इसमें सारे प्रॉन को जो है अलग अलग करके डाल दूंगी। प्रॉन वगैरह ऑयल में जाने के बाद बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, और इसका जो कलर है इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। और मैंने यहाँ पर कश्मीर लाल मिर्च डाली थी तो उस दिन बहुत अच्छा एक कलर आया था। ये जो रेसिपी मैंने कहीं से फॉलो नहीं किया है, मैं अपनी अंदाजे से हर चीज़ें बनाती हूँ, और पहली बार मैंने बनाया था, बट सच को तो आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ था वो रेसिपी। और ये है प्रॉन चिली का रेसिपी एक्चुअली। तो इस तरह से आप नॉर्मली सॉस के साथ या मिंट चटनी के साथ पकौड़ा भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरा लगता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा लगता है। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर सेकेंड बैच भी डाला है, तो ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया है, क्योंकि फिश अगर फ्राई हो जाने के बाद ऑयल रह जाता है तो वेस्ट ही होता है, तो इसको हम लोग करी वगैरह में भी यूज़ नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा ही मस्टर्ड ऑयल डाला है। ये मस्टर्ड ऑयल में आराम से हो जाएगा कि फीस के लिए और ये प्रॉन के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कोटिंग के लिए थोड़ा सा राइस फ्लोर लिया है, और 2 टेबलस्पून यहाँ पर रावा लिया है, ये ऑप्शनल है, बट इसको यूज़ करने से जो बांगड़ा फिश के ऊपर एक लेयर सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुरकुरा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि ये जैसे कि अच्छा लगे। उसके बाद इस तरह से फिश को जो है कोट कर लिया मैंने, और ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया, और ये जो बंगड़ा फिश है 7 to 10 मिनट्स के अंदर हो जाता है। तो बीच में आपको थोड़ा सा पलटना पड़ता है, क्योंकि एक साइड कुक हो जाने के बाद आपको दूसरे साइड कुक करना पड़ता है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी दो साइड मैंने अच्छे से कुक कर दिया है, तो यहाँ पर मैं अभी निकाल रही हूँ और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, इतना ज़्यादा कुरकुरा, क्योंकि फिश का फ्राई जो होता है अगर कुरकुरा होता है तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पीसेस ऑलरेडी थोड़ा सा बन चुका है, तो मैं अभी एक एक करके इसको निकाल दूँगी। अभी मैं ट्राई करूँगी मेरा चिल्ली प्रॉन वाला रेसिपी। अभी यहाँ पर मैं बनाऊँगी चिली प्रॉन, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, तो मैंने उसी पैन में ही बना रही हूँ, और थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे लिया है, ये भी मस्टर्ड ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें लहसुन को इस तरह से चॉप करके मैंने यहाँ पर डाला है, क्योंकि चिली में हमेशा रहता है गार्लिक सा एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। फिर मैं इसमें हरी मिर्च को जो है चॉप करके यहाँ पर डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी चॉप किया हुआ ओनियन और चॉप किया हुआ कैप्सिकम। कैप्सिकम और ओनियन का जो साइज़ है मैंने चॉप करके लिया है, क्योंकि ये प्रॉन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और खाने के टाइम पर इस तरह से नहीं लगेगा कि बड़ा बड़ा पीसेस है। तो आपके हिसाब से आप भी इसको कट करके ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर चॉप यूज़ किया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने गार्लिक का नहीं यूज़ किया है, जिंजर का नहीं यूज़ किया था। तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करने के बाद इसमें सारी वेजिटेबल को डाल दूँगी। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, जैसे कि कैप्सिकम और ओनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और उसको ढक के 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा छोड़ दूँगी। और बीच में मैंने एक बार इसको हिलाया था क्योंकि नीचे से ये जल ना जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि और प्याज और कैप्सिकम को पकने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। और कलर के लिए मैंने यहाँ पर कश्मीर रेड चिली का यूज़ किया है, बहुत अच्छा ये कलर देता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये रेड चिली सॉस, थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सोया सॉस एक्चुअली नहीं यूज़ किया है। आप चाहे तो सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, बट सोया सॉस का जो कलर है थोड़ा सा डार्किश टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर सोया सॉस को अवॉइड किया है। और वैसे भी टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ, तो टोमेटो सॉस में थोड़ा सा खट्टापन रहता है और अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ये सारी प्रॉन को यहाँ पर डाल रही हूँ। प्रॉन जो था बहुत ज़्यादा अच्छा से कुक हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं कुक होने दूंगी, क्योंकि इसका जो क्रिस्पी सा नेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसको एक अच्छा सा मिक्स करने के बाद उसको ऊपर में थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन यहाँ पर डाल रही हूँ। ये जो स्प्रिंग ओनियन है बहुत ज़्यादा ताजी वाली है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मैं बालकनी में 3-4 प्याज को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो अच्छे से वो ग्रो होता है। और मैं जब थोड़ा सा चाइनीज़ डिश बनाती हूँ तो स्प्रिंग ओनियन का कट करके करी में यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि खुद का कुछ चीज़ें होता है और खुद काम आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डालने के बाद मैंने एक अच्छे से इसको मिक्स किया है और इसको ढक के छोड़ दूँगी, क्योंकि हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं। तो फ्लेम को ऑलरेडी मैंने बंद कर दिया है। तो आज का ये स्पेशल डिनर था, तो फिश के साथ हम लोग मोस्ट प्रोबेबली राइस खाते हैं, तो ये है आज का फ्राइडे वाले डिनर। और डिनर करने के बाद किचन का जो हालत है पूरी तरह से बुरा होकर रखा था, तो सारे बर्तन वगैरह और किचन को ऑलरेडी मैंने क्लीन कर दिया है, तो कोल्ड हो गई थी बट फाइनली मैंने जैसे जैसे करके क्लीन कर लिया है। और आई होप ये जो मेरा डिनर रूटीन था आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।